जैसा कि जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण तेलंगाना में इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें उस्मानी यूनिवर्सिटी के एक नामालूम तलबा ग्रुप की मुखालिफत का सामना है। वजरे के उस्मानी यूनिवर्सिटी के तलबा ने जनसेना लीडर को रियासत में सियासत करने के खिलाफ इंतबाह दिया है। उस्मानी यूनिवर्सिटी की JAC के तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर कैंपस में एहतजाज किया। उनका कहना था कि जनसेना लीडर संजीदा सियासतदान नहीं है और इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। तलबा ने मजीद कहा कि हम इन्हें यहाँ सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वहीं दूसरी जानिब जनसेना पार्टी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जनसेना ने रियासत में इंतखाबात लड़ने के लिए तेलंगाना BJP के साथ इत्तेहाद किया है। पार्टी ने कुकटपल्ली, तांडूर, कोदाड, नागर कर्नूल, खम्मम, कोत्तागुड़म, वायरा और अश्वारावपेट असेंबली हलकों में उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।